सरदार भगवान सिंह जी मां इनकलाब इनकलाब जिला मानसा विखे पीड़ित किसानां दी सार लैण ते पहुंचण ते बहुत बहुत धन्नवाद करदे आं। मुख्यमंत्री साहब जसविंदर सिंह जी नूं चैक भेट कीता। हुण मैं दूजी बेनती करदा जगिंदर सिंह जी पुत्र हरदयाल सिंह जी पिंड अकाली 71,825 रुपया का चैक मान साहब उन्हां नूं दे रहे ने। भगवान सिंह जी मान जी नूं कहो तुहाडे रूबरू होणगे, आओ आपां जकारां दा स्वागत करिए इनकलाब। मानसा जिले की इनकलाबी धरती दे लोक, मानसा जिले के आज़ादी घुलाटियां की धरती, बड़े बड़े लेखकां दी, बड़े बड़े पहलवानां दी, खिडारियां दी धरती मानसा। मैं सजदा करदा, बहुत ही छोटा जिहा फंक्शन रखिया क्योंकि यह कोई खुशी का फंक्शन नहीं हैगा। इत्थे थोड़ा जिहा दुखां नूं वंडाया जा रहा है। जिन्हें भी तुसी इत्थे पहुँचे हो, सब तो पहला मेरी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज इत्थे कोई शक्ति प्रदर्शन करन नहीं आया, मैं किसी की निंदा चुगली करन नहीं आया। सियाने कहिंदे आ खुशियां वंडन नाल दुगणियां हो जांदियां ने, दुख वंडन नाल अद्धे रह जांदे ने। अज उन्हां किसान वीरां लई जिन्हां नूं अपनियां पुत्तां वांगू पालियां होईयां फसलां घरें लियाउण दा जां मंडी च ले जाण दा मौका नहीं मिलिया, अज उन्हां नूं मुआवजे दे रूप दे विच जिहड़ी रकम जारी कीती है वो वंडन आए हाँ। वीरो खेती प्रधान देश है ते उहदा सब तो वड्डा खेती प्रधान सूबा पंजाब है, पर गुरु नानक साहब ने कहा सी उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिध चाकरी। खेती नूं सब तो उपर रख्या गया सी, व्यापार नूं मध्यम रख्या गया सी, नौकरी करन नूं तीजे नंबर ते रख्या गया सी। पर इस सिस्टम ने समयां दीयां सरकारां ने बिल्कुल उल्टा करता। अज असीं चाकरी करन वास्ते अपनी जमीन वेचण नूं तैयार हाँ। जिहड़ी चीज़ पहले नंबर ते सी उहनूं वेच के तीजे नंबर वाली जिहड़ी गुरु साहब ने कही सी उह लैण नूं तैयार हाँ। इह क्यों होया? क्योंकि इन्हां ने ध्यान ही नहीं दिता, इन्हां ने खेती नूं लाहेवंद धंधा बनाउण लई कोई कदम नहीं चुक्या। सिर्फ आपदे ही घर भरे, कई नहरां कई सूए इन्हां दे खेतां च जाके मुक जांदे आ। सो इन्हां लई तां खेती बहुत लाहेवंद धंधा है। ते असीं कस्सी दे मोगे पिछे सूए दे मोगे पिछे कतल करी जांदे आ, जिहदा इन्हां नूं पता ही नहीं लगदा। पिछली बार चिट्टी सुंडी सी उन्हें नुकसान किया, असी बहुत सारे घर जाके भी आए सी। वो नुकसान वास्ते किस्मत जिम्मेदार नहीं हैगी साड़ी। जिन्हां ने नकली बीज ते नकली स्प्रेहां दियां डीलां कीतियां वो जिम्मेदार ने। किन्नियां घरां दे विच चिट्टी सुंडी ने चिट्टे सत्थर बिछाए, चिट्टी सुंडी करके किन्नियां मावां भैणां दियां
चिट्टियां चुनिया हो गई रंगलिया तो उदे वास्ते कौन जिम्मेवार है? जिन्हां ने सानू नकली बी ते नकली स्प्रेयां दित्तियां। बिल्कुल इस तरह इत्थे है, असी तां अपने वल्लों मेहनत च कोई कमी नहीं छड़दे, सप्पां दीआं सिरियां मिदे हाँ, पर पता लगता है कि साड़ी फसल दे तां सौदे पहले ही हो गए, वो तो लै गए करोड़ां रुपये, उन्हां दी भी जांच करांगे कि वो किन्ने क करोड़ां रुपये चिट्टियां सुंडियां जां फिर पिंक सुंडियां दे नां ते खादे गए ने। जांच होगी, जिहड़े पैसे अपनियां जेबां चों गए ने उन्हां नूं वापस तुहाडियां जेबां तक लैके आवांगे। इनकलाब वीरो, मैं खुद खेती करदा, हर एक काम किया खेती का, मैनू कली कली चीज का पता है। जे किते बीज असली आ जान, स्प्रेयां असली मिल जान, गाइडलाइन मिल जे कदों केड़ी स्प्रे किन्नी मकदार च करनी है, एहो जे फंक्शन करन दी लोड़ नहीं पैनी, एहो जे फंक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए। हाँ, कोई कुदरत वल्लों मार पैगी, कोई बेमौसमे गड़े पै गए, कई बारी बट नूं बट छड़ जांदा, कहिंदे भादों दा मीह सौण दा मीह, उहदा अलग गल है, कुदरत ते कोई अपना जोर नहीं चलदा, पर ये कुदरत दी मार नहीं हैगी, यह सियासी मार पई हुई है। और उत्तों मुआवजे दिंदे सी, लंबा समा गरदौरियां चलदियां सी, मुआवजे मिलते सी, चैक आ गया जी किन्ने दा, जख्मां ते लून छिड़कने वाली गल 52 रुपया का, 82 रुपया का, 130 रुपया का, ऐदां दे चैक भी आए ने। मजाक करते सी साडे नाल, पर कोई गल नहीं, अन्नदाता है ते दाता जिहड़ा उह दाता वंडन वाला हुंदा, ते इन्हां ने दाते नूं भिखारी बना के रख्या होया, थोड़ा जिहा समां होर दे दिओ, खेती नूं घाटे का सौदा नहीं रहन देवांगे, खेती नूं मजबूरी का धंधा नहीं रहन देवांगे, खेती करन ते माण महसूस होगा, इहो जिहे टकनीकां लैके आ रहे हैं, यूनिवर्सिटियां नाल गल कर रहे हैं, बाहरलियां यूनिवर्सिटियां नाल गल कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट घटाइए, प्रोडक्शन बधाइए, आपां नूं कोई दसण ही नहीं आउंदा, जे कोई सुंडी लग जाए कोई दसण आउंदा सरकार वल्लों कि आ स्प्रे करनी है, ते नहीं आउंदा कोई। आपां तां एक दूजे नूं पुछदे हां कि तुहाडे वी सुंडी लग गई, तू कल स्प्रे करी जांदा सी केड़ी है, वह कहिंदा पता उहनूं भी नहीं हुंदा, कहिंदा पता नहीं केड़ी है, लाल जे ढक्कन वाली है, सारा पिंड लाल जे ढक्कन वाली, कोई नहीं दसण आउंदा सानूं, की पता है वह सुंडी वास्ते वह लाल जे ढक्कन वाली जिहड़ी है वह जिहड़ी हैगी है, उहदे वास्ते असरदार जां ना, हुण होऊगा इह। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे कुछ प्रोफेसरां नूं बुलाया कि की हो सकता है, वह कहिंदे जी की करिए, साडा तां आपदा नरमा मर जांदा है, असी नवें बीआं दी खोज कित्थों करिए, बजट ही है नहीं। सो वीरो, बजट रखिया जाऊगा, धरती का कोई कसूर नहीं, बहुत उपजाऊ धरती है, बाजरा बीज लो, मक्की बीज लो, सूरजमुखी दाला जो मर्जी बीज लो उग जूगा, पर डर इस गल का रहिंदा है बेचांगे कित्थे,
धरती का पानी थले चला गया। एक किलो चौल, एक किलो चौल पैदा करने वास्ते 3800 लीटर पानी लगता है जी। 3800 लीटर पानी एक किलो चौल वास्ते, जबकि चौल साड़ी खुराक का हिस्सा नहीं है। तो FCI मुकरती जाती है हूँ कि असी खरीदने नहीं थोड़े को झोना। कोई गल नहीं, भी प्लैनिंग बना रहे हैं, आने वाले दिनों च तुहानू पता लगता रहेगा। हजे कल ही एक फैसला किया है, उस नाल ही सारे मुल्क च डिबेट चली जाती है, 8-8 पेंशन, 9-9 पेंशन, टब्बर नू पेंशन, इलाज मुफ्त, रेलगड्डी मुफ्त, जहाजा के सफर की गल भी। असी कार्ड पा के बुलाया सी भी MLA बनो, आप बने सी, ना बनो कोई होर काम कर लो। सो वीरो, ये जेड़ियां खजाने नू संगलियां मारियां हुई ना, ना खोलनिया ने, तो फिर खजाना थोड़े वास्ते खोलना है, पब्लिक वास्ते। रब ना करे कोई इदां दा फसलां दा नुकसान होवे, अगली बार तो गुरदौरियां बाद च हुंदियां रहणगियां, बाकी सब बाद च हुंदा रहूगा। जिवें दिल्ली दे विच हुंदा है, अरविंद केजरीवाल की सरकार करदी है, पहलां 20,000 एकड़ का वो पैसे दे देंदे है, पहला लो गुरदौरियां बाद च हुंदियां रहणगियां, फिर देखांगे अपनी कबीलदारी चलाओ। इत्थे भी करांगे इस तरह के सिस्टम। इस करके साडे धीआं पुत भज रहे आ बाहर नूं कि उरे कुछ नहीं हैगा। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, गुरु साहब ने हवा नूं गुरु का दर्जा, पाणी नूं पिता का दर्जा, धरती नूं माता का दर्जा। तुसीं दस दो, आपां तिन्नों दर्जे कायम रख ले। हवा अपनी जहरीली होगी, पानी अपना कैमिकल विच पै गए कैमिकल पै गए, पानी अपना जहरीला हो गया, स्प्रेयां कर करके धरती भी आपां जहरीली कर ली। सो वीरो, ये कुछ पिंडां दे कुछ किसान ने, जिन्ना भी बाकी दा 101 करोड़ जारी होया है, जिन्हें भी होर पिंड ने, क्योंकि बैल्ट तो जी जाती है अगे तक, थोड़े खात्या आ जूगा पैसा, जा तुसी साडे किसी MLA नाल संपर्क कर लो, जे कोई दिक्कत आती है खाता, जा कई बार खाता पुराना हुंदा नहीं चलता, जा कोई होर, जे कोई थोथों वो चैक देन दा कमीशन मंगता है, तो फिर थोड़े को एक फोन नंबर है, वो भी याद रख लियो। पंजाब नू दोबारे पंजाब बनाउण दा जिहड़ा तुसी सानू फतवा दिता है, उहदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है। मतलब ऐं लगदा सीगा भी जिन्नी वारी भी मैं मानसा चाहुंदा सी, ऐं लगदा सी कि इस तों वध तां कट की होऊगा हुण, पर अगली बार तुसी आपदा ही रिकॉर्ड आप तोड़ लैंदे सी। सो मैं पूरी सरकार वल्लों तुहानू यकीन दवाउणा, लोग नहीं माड़े, लोग बहुत देशभगत ने, लोग बहुत ईमानदार ने, पर सिस्टम जिहड़ा है उन्हें बहुत सारे लोगों भी उन्हां दे जिहड़े दामन ने वो लबेड़ रखे ने। सिस्टम नूं ठीक करन च थोड़ा टाइम लग जूगा, ये ना सोच लियो कि अज ही अंब की गुठली दबी तो शाम को गुठली पट के देखिए भी अंब तो लगे ही नहीं। थोड़ा जा टाइम दे दो, सारे काम हो ही जाएंगे। तो मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करदा, जिहड़े साडियां गल्लां नूं, साडे ऐलानां नूं, तुहाडियां शिकायतां नूं साडे तक पहुँचाउंदे ने। पर कई बार ना पहलां खबर दिखाउण दे चक्करां च कई बार बिना तत्थां तों ही खबर आ जांदियां ने, उन्हां तों थोड़ा जा बचा रख्या करो।
ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈ 12,000 ਹੈ, ਭੱਤੇ ਪਾ ਕੇ 54,000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਹੀਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7200 ਰੁਪਈਏ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਗੜਾਈ ਜੀ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਨਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਗ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ, ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ, ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਪੁਲੀਆਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿਉ, ਪੁਲੀਆਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।